हम लोगों ने मॉडल्स कंप्लीट कर लिए, 2B2 हम अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम टेंसेस को स्टार्ट करें उससे पहले थोड़ा सा प्रैक्टिसेशन कर लेते हैं। ओके हाँ, मेरे पास में पैसे होंगे, आई विल हैव मनी, आई विल हैव मनी। मेरे पास एक लैपटॉप होगा, आई विल हैव अ लैपटॉप। मेरे पास लैपटॉप नहीं होगा, आई विल नॉट हैव अ लैपटॉप, आई विल नॉट हैव अ लैपटॉप। तुम वहां जा सकते हो, यू कैन गो देयर। तुम वहां जा सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास में समय है, यू कैन गो देयर बिकॉज यू हैव टाइम। यू कैन गो देयर बिकॉज यू हैव टाइम। आप वहां नहीं जा सकते हो, यू कांट गो देयर, आपको वहां जाना पड़ेगा। यू विल हैव टू गो देयर, आपको वहां जाने की जरूरत है। नीड टू गो देयर, माइक ऑफ कर लेंगे पूनम। यू नीड टू गो देयर, आपको वहां जरूर जाना चाहिए, आपको वहां जरूर जाना चाहिए। यू मस्ट गो देयर, यू मस्ट गो देयर। माइक ऑफ, माइक ऑफ, माइक ऑफ। यू मस्ट गो देयर। ओके, आपको मेरी मदद करनी चाहिए क्योंकि आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, आपको मेरी मदद करनी चाहिए। यू शुड हेल्प मी बिकॉज यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू शुड हेल्प मी बिकॉज यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। मैं कल क्लास में थी, आई वॉज इन द क्लास येस्टरडे, आई वॉज इन द क्लास येस्टरडे। मैं कल क्लास में नहीं थी, मैं कल मार्केट में थी। बोलेंगे सभी, मैं कल क्लास में नहीं थी, मैं कल मार्केट में थी। आई वॉज नॉट इन द क्लास येस्टरडे, आई वॉज इन मार्केट, आई वॉज इन मार्केट। कल हम सभी यहाँ पर होंगे, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, कोई कहीं होगा। कल हम सभी यहाँ पर होंगे, वी ऑल विल बी हियर, वी ऑल विल बी हियर टुमारो, वी ऑल विल बी हियर टुमारो। माइक ऑफ करके बोलेंगे प्लीज सभी, फिलहाल में ठीक है अभी के लिए। ओके, वी ऑल विल बी हियर टुमारो, हम सभी कल यहाँ पर होंगे। तुम एक अच्छे इंसान होंगे, तुम एक अच्छे इंसान होंगे। यू विल बी अ गुड पर्सन, यू विल बी, पर्सन ठीक है, यू विल बी अ गुड पर्सन। तुम वहां होंगे, यू विल बी देयर। तुम यहाँ होंगे, यू विल बी हियर, यू विल बी हियर। तुम यहाँ नहीं होंगे, यू विल नॉट बी हियर, यू विल नॉट बी हियर। या आपको समझना चाहिए, आपको समझना चाहिए। फर्स्ट यू शुड अंडरस्टैंड, आपको मेरी प्रॉब्लम समझनी चाहिए। यू शुड अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम, यू शुड अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। मुझे पता है आप मेरी प्रॉब्लम समझ सकते हो, आई नो यू कैन अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। मुझे पता है आप मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ सकते हो, आई नो यू कैन नॉट अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम, आई नो यू कैन नॉट अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। क्योंकि तुम मेरे दोस्त नहीं हो, बिकॉज यू आर नॉट माई फ्रेंड, बिकॉज यू आर नॉट माई फ्रेंड। वो मेरे बचपन का दोस्त है, ही इज माई चाइल्डहुड फ्रेंड, ही इज माई चाइल्डहुड फ्रेंड। वह मेरे बचपन का दोस्त है, वह मेरे बचपन का दोस्त नहीं है, इसीलिए वह मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ सकता है। वह मेरे बचपन का दोस्त नहीं है, इसीलिए वह मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ सकता। ही इज नॉट माई चाइल्डहुड फ्रेंड, दैट्स वाई ही कैन नॉट अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। ही इज नॉट माई चाइल्डहुड फ्रेंड, दैट्स वाई ही कैन नॉट अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। वह मेरी प्रॉब्लम समझ सकता था, वह मेरी प्रॉब्लम समझ सकता था। ही कुड अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम, ही कुड अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। वह मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ सकता था, ही कुड नॉट अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। आपको मेरी प्रॉब्लम समझना है, आपको मेरी प्रॉब्लम समझना है, क्या होगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। आपको मेरी प्रॉब्लम समझना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। आपको मेरी प्रॉब्लम समझना होगा, आपको मेरी प्रॉब्लम समझना पड़ेगा। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। आपको मेरी प्रॉब्लम समझना पड़ेगा, आपको क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू अटेंड द क्लास, यू विल हैव टू अटेंड द क्लास। आपको मेरी क्लास नहीं अटेंड करनी पड़ेगी, आपको मेरी क्लास नहीं अटेंड करनी पड़ेगी। यू विल नॉट हैव टू अटेंड द माई क्लास, यू विल नॉट हैव टू अटेंड माई क्लास। ओके, मैं क्लास अटेंड किया करती थी, फास्ट, मैं क्लास अटेंड किया करती थी। आई यूज टू, यू यूज टू, या फिर आई यूज टू अटेंड योर क्लास, मैं आपकी क्लास अटेंड किया करती थी। ओके, मैं इंग्लिश में बातें किया करती थी, आई यूज टू टॉक इन इंग्लिश, आई यूज टू टॉक इन इंग्लिश। मुझे इंग्लिश में बात करने की जरूरत है, आई नीड टू टॉक इन इंग्लिश, मुझे इंग्लिश में बात करने की जरूरत है, आई नीड टू टॉक इन इंग्लिश। क्लियर? तो ये है हमारे कुछ मॉडल्स एंड टू बी टू है। ओके, अब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको इनके नेगेटिव सेंटेंसेस बताऊंगी, तो आप ध्यान देंगे आप सभी लोग। फिलहाल में देखिए, नेगेटिव में हम लोग जब कैन का यूज करेंगे तो कैन के बाद नॉट लगा देंगे, कुड के बाद नॉट लगाएंगे,
विल के बाद नॉट लगाएंगे। इज एमआर में भी हम लोग नेगेटिव में नॉट लगा रहे हैं, यहाँ पर भी हम लोग नॉट लगा रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग फ्यूचर में विल के बाद नॉट का यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी मस्ट के बाद हम लोग नॉट लगा रहे हैं, ऑट के बाद मतलब एक हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ रहा है। एक मैंने बताया था कि सबके बाद हम नॉट लगा सकते हैं, जैसे हैज़ के मैंने दो कॉन्सेप्ट्स बताए कि थे, किसमें आप नो लगा सकते हैं और यहाँ विल के बाद में नॉट आता है। आई हैव नो पेन, आई हैड नो पेन, आई विल नॉट हैव पेन, क्लियर। लेकिन इसका दूसरा तरीका ये भी है कि आप यहाँ पर डू एंड डज नॉट का यूज कर सकते हैं। कैसे, देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे पास में पेन है, तो मेरा सेंटेंस बना आई हैव अ पेन। क्या बना? आई हैव अ पेन मतलब मेरे पास पेन है। तो जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव का जो प्रेजेंट का स्ट्रक्चर रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा, डू एंड डस नॉट हैव, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जब हमारे पास कोई चीज नहीं है, इस सेंस में हम लोग डू एंड डज नॉट का यूज करेंगे। सिंगुलर के साथ डज नॉट आ जाएगा एंड प्लूरल के साथ डू नॉट आएगा, हैव सभी के साथ आएगा, रिमेंबर दिस थिंग। जैसे अगर मैंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, आई डू नॉट हैव मनी। मेरे पास लैपटॉप नहीं है, आई डोंट हैव लैपटॉप। मेरे पास कार नहीं है, आई डोंट हैव कार। मेरे पास आपका कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है, आई डोंट हैव योर कॉन्टेक्ट नंबर। अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे पास में समय नहीं है, तो सेंटेंस क्या बनेगा? आई डोंट हैव टाइम, आई डोंट हैव टाइम, आई डोंट हैव टाइम। मेरे पास में पैसे नहीं है, आई डोंट हैव मनी। या हम कहें कि रोहन के पास पैसे नहीं है, तो हम दो तरह से बना सकते हैं। एक तो रोहन डस नॉट हैव मनी, यह हमारा फर्स्ट तरीका हो गया, रोहन डज नॉट हैव मनी। या सेकेंड तरीका हमारा हो जाएगा, रोहन हैज नो मनी। दोनों ही सेंटेंसेस हमारे करेक्ट हैं, ठीक है। ज्यादा यूज ये वाला वैसे होता है, आप डू एंड डज नॉट हैव का यूज कर सकते हैं। ओके, उसके पास में कार नहीं है, उसके पास, तो ही डज नॉट हैव अ कार, ही डज नॉट हैव अ कार। उसके पास पैसे नहीं है, ही डजंट या ही डज नॉट हैव मनी, तो ही डज नॉट, शी डज नॉट, आई डू नॉट, ये वाला आप ध्यान रखेंगे, इसको याद कर लेना, क्लियर। अब अगर हम बात करें पास्ट की, तो पास्ट में जैसे हमारे पास में कुछ था तो हम लोग हैड का यूज करते हैं, राइट। जैसे मेरे पास कार थी, मेरे पास पेन था, लाइक दिस। तो जब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं, तो इन नेगेटिव सेंटेंस व्हाट वी डू, वी यूज सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट हैव। ये हमारा पहला स्ट्रक्चर हो गया, डिड नॉट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो डिड नॉट के साथ हैव आ गया। सेकंड तरीका हम लोग क्या यूज करेंगे, हैड के बाद में डायरेक्ट हम नो लगा देंगे प्लस ऑब्जेक्ट। अब एग्जांपल्स, बोल बोल कर, माइक भले ऑफ रखे लेकिन मेरे साथ बोल कर प्रैक्टिस करना है, बोलना सभी को, इट्स कंपल्सरी फॉर एवरीवन। ओके, अगर मैंने कहा कि मेरे पास में लैपटॉप था, तो आई हैड अ लैपटॉप। अब आप ऑन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आई हैड अ लैपटॉप। मेरे पास लैपटॉप नहीं था, आई डिड नॉट I हैव, had not a laptop. आई डिड नॉट हैव अ लैपटॉप। मेरे पास पैसे नहीं थे, आई डिड नॉट हैव मनी। हाँ, डिड नॉट हैव मनी। कल मेरे पास समय नहीं था, आई डिड नॉट हैव टाइम यस्टरडे, यस्टरडे, या फिर आई हैड नो टाइम यस्टरडे। दोनों करेक्ट है ना? आई डिड नॉट हैव टाइम यस्टरडे, आई हैड नो टाइम यस्टरडे, क्योंकि पास्ट टेंस है और पास्ट टेंस में हम लोग डिड नॉट के साथ हैव का यूज करेंगे, मतलब फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, क्लियर। ये पास्ट सिंपल, जिस भी टेंस में आपको डिड दिखाई दे रहा है वो पास्ट सिंपल है ना। हैड जो है ना, वो हैव की सेकेंड फॉर्म है। हैव मैंने आपको बताया था पास है, होना होता है, तो हैव की सेकेंड फॉर्म हैड होती है और थर्ड फॉर्म भी हैड होती है। अब जैसे मैंने आपको कल बताया था कि हैव एक मेन वर्ब भी है प्लस हेल्पिंग वर्ब भी है, तो यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब की तरह नहीं, मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, ठीक है। चलिए, ओके, मेरे पास मोबाइल था, तो आई हैड अ मोबाइल। मेरे पास मोबाइल नहीं था, क्या बनेगा सेंटेंस? आई डिड नॉट हैव, आई डिड नॉट हैव मोबाइल, आई डिडंट हैव मोबाइल, या फिर आई हैड नो मोबाइल। समझ में आया? क्लियर है? दोनों तरह से बना सकते हैं, बाकी फ्यूचर का कोई रोल नहीं है, फ्यूचर में तो हम लोग ओनली वॉन्ट विल नॉट का यूज कर रहे हैं, क्लियर। यहाँ पर देखिए, इसका हमने नेगेटिव देखा, तो इसके नेगेटिव में हमने दो तरह के सेंटेंसेस देखे, एक तो हमने नो लगाया, दूसरा हमने डू एंड डस नॉट हैव लगाया, ठीक है। यहाँ पर हमने हैड इसमें लगाया। अगर वर्ब आएगी तो फिर नहीं मैम, थर्ड वर्ब फॉर्म नहीं, आ जाएगी, वर्ब नहीं आएगी फिलहाल में तो इसमें, क्योंकि ये टॉपिक अलग है, विदाउट मेन वर्ब वाला ऑब्जेक्ट टॉपिक।
ऑब्जेक्टिव आ रहा है। तो ऑब्जेक्ट आ रहा है, ओनली ऑब्जेक्ट आ रहा है। स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट हैज एन ऑब्जेक्ट, मैम नाउन भी आ सकता है इसकी जगह, नाउन नाउन। ऑब्जेक्ट नाउन ही है, जो ऑब्जेक्ट है ना अच्छा जिसको हमने ऑब्जेक्ट लिखा है एक्चुअल में वो नाउन ही है ना, नाउन ही है। मैंने अगर कहा आई हैव अ पेन, तो पेन क्या है, पेन एक नाउन है। आई हैव स्किल्स, स्किल्स क्या है, नाउन है, ठीक है। नहीं, और या प्रीपोजिशन वगैरह। प्रेपोजिशन भी लगाना चाहो तो लगा दो। सेंटेंस ओके मतलब यानी कि मेन टॉपिक क्या है, मेन सेंटेंस कैसा बनना चाहिए, जिस भी सेंटेंस में पास है वर्ड आ रहा है, अब वो सेंटेंस में आप प्रेपोजिशन लगा दो, कंजंक्शन लगा दो, जो लगाना चाहो।